नमस्कार, प्रणाम। हम हैराना अरुआ देख रहल बानी मैच बॉक्स। और मैच बॉक्स पर आज जोनी वीडियो ई जोन मंदिर हम लेके आइल बानी दिखावे खातिर, ई मंदिर हटे बलिया जिला के बलिया शहर में स्थापित बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर। बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर के बाहर से दिख लेनी, मंदिर के अंदर चल जाओ। देखी अंदर घुसता नहीं तो कितना बढ़िया नजारा दिखता। ए मंदिर के जौन इतिहास बानो बहुत समृद्ध बाटे या बहुत पुरान बाटे, तो मंदिर के इतिहास के बारे में बाद में बात हुई। पहले मंदिर में घुस के दर्शन कर जाओ। जब मंदिर में रुआ घुसेम तो मंदिर में दोनों तरफ ई जल प्रसाद फूल बेलपत्र इत्यादि बिकता, जहाँ से रुआ खरीद के बाबा पर ले जाके चढ़ा सकतनी। ई मंदिर बा, ए मंदिर में भीड़ बड़ी जबरदस्त होला। जौन हम देखनी हो और जौन हम अनुभव कैनी हो, वो अनुभव के आधार पर बताओ तनी कि जबरदस्त भीड़ होला, खास करके सुख सुमार के। और जब सावन में लोग बाबा तर जल ढारे जाला, चाहे बाबा धाम जात होके चाहे बनारस जात होके, यहाँ पहले जल ढारेला, पहले आशीर्वाद लेला बाबा बालेश्वरनाथ से, ओकरा बाद जाला। तो ये देखिए, ये मंदिर कैंपस हटे, कैंपस में काफ़ी जगह बाटे जहाँ पर भजन कीर्तन कई जा सकता। कोनो देखो कि शादी ब्याह मुंडन इत्यादि करे को तो हो सकता। अभी देखिए कीर्तन हो रहा बा, यहाँ बाबा के भजन गावे वाला लोग बा प्रस्तुत कर रहा बा। बुढ़ऊ बाबा जौन टाँसी मारत लहन, वाह गजब, मैंने एकदम जबरदस्त गीत सुनावत रहूँ। तो इरुवा के हम दिखा रहल बानी, देखी पूरा भीड़ बटे, पूरा परिवार एक साथे लोग बैठल बटे या ढेर सारा लोग बटे। अब चलिए मंदिर के अंदर थोड़ा सा प्रवेश कर जाओ। लेकिन यहाँ देख ली, यहाँ भी फूल बिलपत्र बिक रहल बा, पंडित जी लो बानी लो जे पूजा करा रहल बानी लो। अब रुआ के हम मुख्य मंदिर के अंदर लेके चलत नी। मंदिर के जोन कैंपस बाटे, चूंकि शहर में बाटे तो बहुत बड़ा कैंपस नहीं खे, लेकिन मंदिर बड़ा खूबसूरत बाटे और बाबा के कृपा बड़ा दूर दूर तक फैलल बाटे। बलिया जिला में रहे वाला लोग और खासकर बलिया शहर में रहे वाला लोग जोन बा उ जानत आटे। अब मंदिर में हम प्रवेश करल बनी, मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार हो, अंदर चलतनी। रउआ सबके मंदिर के अंदर ले चल के बाबा के दर्शन करावतनी, बाबा बालेश्वरनाथ के। देखी मंदिर में अंदर के ऊपर के नजारा हटे, इरुवा के दिखा रहल बनी। पंखा लागल बा, लाइट लागल बा। लाइट जरूरी बाटे काहे कि अंधेरा हो जी तो ना दिखी, और पंखा भी जरूरी बाटे काहे कि गर्मी जब बढ़ेला आ ढेर लोग मंदिर में रहला तो उसे सांस लेवे में दिक्कत होके लागेला, सफोकेशन होला, तो पंखा भी जरूरी बाटे। हई देखी, हई नागदेव ऊपर से लटकल बाणे, बाबा के शिवलिंग के ऊपर बाणाई, ई हाइट ऊपर बा। देखी नागदेव के दर्शन करी, ओकरा बाद शिवलिंग के दर्शन तो करही के बाटे। बिल्कुल शिवलिंग के दर्शन करायम रहुआ सबके। देखी शिवलिंग हो, जौना पर एकदम फूल बेलपत्र बढ़िया से चढ़ल बाटे, पूरा शिवलिंग ढकल बाटे। हम एकरा के छुए के कोशिश कम हुई, लेकिन ये काफ़ी नीचे रहुए से हम छू ना पवें कि हटा पाई। तो ऐसे ऊपर से दिखा रहल बनी, ई रउआ दर्शन करी, देखी बाबा के आशीर्वाद ली और जौन भी मनोकामना होके वो मांग ली, मनोकामना पूर्ण हो जाई एकदम से। हम गारंटी नहीं देते, बाबा के आस्था बता रहल बनी। मंदिर में अंदर चारों कोना पर सूर्यदेव के मंदिर हई, हनुमान जी के मूर्ति रखल बा, सूर्यदेव के मूर्ति रल हई, देखी ई माता वैष्णो देवी के मूर्ति रखल बा। अब हम बाहर निकलते नहीं मंदिर से पीछे, तो नंदी के दर्शन किला के बाद आगे बढ़ल जाओ। देखी मंदिर में एजा हनुमान जी के मूर्ति रखल बा। मंदिर में रुआ आयब नू तो रुआ खाती पूजा करे खाती और प्रभु के गुणगान करे खाती अलग अलग मूर्ति यहाँ पर स्थापित बा, जहाँ पर रुआ आशीर्वाद ले सकता नी। अब मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बात कर लहल जाओ। जौनी मंदिर बाटे यहाँ पूरा साल भीड़ होखेला, लेकिन सावन में जौन भीड़ बाटे वो कुछ ज्यादे रहेला। ये बालू कामय शिवलिंग के इतिहास दानवीर महाराज बलि के बलियाग से जुड़ल बा। राजा बलि के बलियाग भूमि पर स्थित शिवालय में सर्वाधिक पूजनीय शहर के बाबा बालेश्वरनाथ के दर्शन पूजन से ही भक्त लोग के मुराद पूरा हो जाला। शायद यह वजह है कि मंदिर पर पूरा साल 24 घंटा पाठ और हवन कार्यक्रम चलत रहेला। मंदिर तथा एमे स्थापित अद्भुत शिवलिंग के संदर्भ में श्रुति और प्रमाण उपलब्ध बा। आउकरा अनुसार इस शिवलिंग विग्रह दानवीर राजा बलि द्वारा पूजित है। पौराणिक ग्रंथ के अनुसार महर्षि भृगु के पुत्र दैता कुल के पुरोहित शुक्राचार्य के पौरोहित में राजा बलि द्वारा कैल गैल यज्ञ में भगवान विष्णु के
वामन ब्राह्मण के रूप में दान देवे खातिर स्वयं आवे के पड़ा रहे। आ यही दौरान महाराजा बलि द्वारा स्थापित शिव विग्रह के स्थान पर मंदिर के निर्माण भई, जौन की 1894 से 1901 ईस्वी तक चलल कटान के तबाही में बलिया नगर के साथे गंगा के लहर में समाहित हो गई। लेकिन भक्त लोग शिवलिंग के केहू तरह बचा लेहल लो। श्रद्धालु लोग के द्वारा सुरक्षित बचावल गई शिवलिंग के स्थापित कल गई, जहां सिकंदरपुर इलाका के जमींदार बाबू रामजस भगत ये मंदिर के बनवा दिल। सन 1939 में शहर में एक बार फिर से बाढ़ और कटान आ गई, लेकिन ये बार शहर के दक्षिणी हिस्सा ही समाप्त हो गई। नगर के बचावे खातिर ब्रिटिश शासक लोग सुरक्षा बांध बना के शहर के बचावल लो। एकरा साथ ही बाबा बालेश्वरनाथ मंदिर के बचावे खातिर बालेश्वर घाट पर अंग्रेज लोग एगो ठोकर के निर्माण कैलस, जौन ठोकर नंबर 7 के नाम से जानल जाला। प्राचीन मंदिर के क्षतिग्रस्त भइला के बाद मनियर के संपन्न वैश्य लच्छू बिलर भगत लाल बलुआ पत्थर से भव्य मंदिर के निर्माण कैले, जौन की आज भी मौजूद बा। राजा बलि द्वारा स्थापित इस शिव विग्रह के कालांतर में बलेश्वरनाथ के नाम से जानल जात रहे, जौना के अपभ्रंश होके आज बालेश्वरनाथ हो गई बा। जानकार लोग कहेला कि जिला के अन्य पौराणिक शिवालय में स्थापित विग्रह के भांति बालेश्वरनाथ मंदिर के शिवलिंग भी बलुआ पत्थर के है, जौन की घीस के छोट हो गई बा। एकरा के सुरक्षित रखे खातिर शहर के शिव भक्त लोग कुछ साल पहले चांदी से मढ़वा दहलस। कांवरिया जब बाबा धाम जाए के सिलसिला शुरू होला नो, तो महर्षि भृगु के नगरी के पूरा लोग बोलबम के उद्घोष से जब गुजेला, तो सबसे पहले यही बाबा के दर्शन करके लोग यहाँ से निकल के अब बाबा तर जल ढारे जाला। तो ये बलिया जिला हो और बलिया जिला के बाबा बालेश्वरनाथ के मंदिर रला। उम्मीद करता नहीं कि दर्शन कैनी हो और मंदिर के बारे में जान के अच्छा लागल हो। अगर अच्छा लागल बा तो हमके कमेंट करके जरूर बताई। और बलिया के हई आए मंदिर से अपना आप के रिलेट करतनी, तो वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी आ लोग तक पहुंचाई। और अभी तक मैचबॉक्स के सब्सक्राइब नहीं की कैले तो कर ली। दी हमरा के इजाजत, रखी अपन ख्याल। नमस्कार।